छोरारी धरती जठे चांदी रो आसमा रंग रंगीलो रस भरियो मारो राजस्थान। ये सफर है राजस्थान के चौथे सबसे बड़े शहर बीकानेर का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बात राजस्थान की हो और बंधेज के कपड़ों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बंधेज और लहरिया राजस्थान की पहचान है और शायद इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। रंगों की ये झलक आपको लहरिया और बंधेज में बखूबी देखने को मिलती है। बीकानेर के अपने स्टोर में हमें मौका मिला बंधेज की प्रिंटिंग देखने का। भाई, एक सिंपल से सफेद कपड़े को रंग बिरंगे बंधेज में बदलते देखना वाकई बड़ा रोमांच। जी हाँ, मौका था रंग बिरंगे बंधेज प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस देखने का। तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं बंधेज प्रिंटिंग की रंग बिरंगी दुनिया। जनाब, बंधेज के प्रिंटिंग का काम देखने हम पहुंचे बीकानेर के छिंपों के मोहल्ले गोपेश्वर बस्ती में, जहां हमने देखा सफेद कपड़े से रंगीन बंधेज के कपड़े तैयार होने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां सफेद कपड़े को रंग दिया जाता है। देखिए ये तेज चलती मशीन, यहां सफेद कपड़े को रंग चढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। अब सुखाने के बाद ये कपड़ा रंगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देख रहे हैं ना, ये बड़ी सी मशीन यही देगी हमारे सफेद कपड़े को उसका रंग बिरंगा राजस्थानी अंदाज वाला रंग। सबसे पहले मशीन को साफ करके पोछा जाता है, उसके बाद जिस भी रंग को सफेद कपड़े पर चढ़ाना है उसे तैयार किया जाता है, फिर इस रंग को मशीन में डाल दिया जाता है। अब कपड़े को कुछ इस तरीके से मशीन में बांध दिया जाता है और जब सब चीजें तैयार हो जाती है तो मशीन को ऑन कर दिया जाता है। देख रहे हैं ना आप कैसी स्पीड से कपड़ा रंग भरे खांचे से होता हुआ गुजर रहा है और उस पे रंग चढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को देखना बड़ा मनमोहक दृश्य है, जैसे एकदम सफेद कपड़ा रंगीन होके बाहर निकला हो, जैसे एकदम सादी सी दुनिया रंग बिरंगी सी दुनिया हो गई हो। अब इस कपड़े को दोबारा इसी प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि इस पर मनचाहा रंग अच्छे से चढ़ सके और कपड़े में चमक आ सके। इसके बाद बारी आती है इस पे सिलिकेट की कोटिंग करने की, जो इस रंग को फिक्स करने में मदद करता है। अब इन रंगे हुए कपड़ों को सुखाया जाता है और सूखने के बाद बंधेज प्रिंट के लिए इसे भेज दिया जाता है। तो आपने प्रोसेस तो देखा, लेकिन आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों से। मेरा नाम मनोज है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ आरिफ कालू कमाल के यहाँ पर, और माल हमारे यहाँ बॉम्बे से आता है, ज्वेलरी बॉम्बे से आता है। यहाँ पर प्रोसेस होता है, कलर वगैरह होता है। पहले वहाँ जाके वाइट होता है, वाइट हमारे पास आता है, फिर हम यहाँ कलर करते हैं। और ये डाइंग की मशीन है, ये राजपूती ड्रेस का काम है। ये जोधपुर जयपुर जाता है, यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस है। ये पहले कलर होता है, फिर यहाँ प्रिंट वगैरह वर्क और होता है। राजपूती ड्रेस के नाम से जानते हैं, लहंगा कुर्ती ओढ़ना। कहाँ कहाँ जाता है? जयपुर जोधपुर ऑल इंडिया में जाता है ये सारा। क्या बात है, तो चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होती है बंधेज प्रिंटिंग। यहां भी सबसे पहले रंग तैयार किया जाता है, उसके बाद प्रिंट होने वाले कपड़े को अच्छे से बिछा लिया जाता है। इसे हल्का हल्का किनारों से चिपका देते हैं ताकि कपड़ा प्रिंट करते वक्त इधर उधर ना हो और प्रिंट खराब ना हो। अब जैसे भी डिजाइन आपको कपड़े पर चाहिए उसका खांचा तैयार किया जाता है और उस पे रंग डाला जाता है, कुछ इस तरह से। अब कारीगर इस सांचे को खींचते हुए कपड़े पर आगे बढ़ाते रहते हैं ताकि कपड़े पर प्रिंट छप जाए। अब देखिए ना कितना खूबसूरत है ये नजारा।
कैसे खूबसूरत प्रिंट कपड़े पर उभर के निकल रहा है। इस काम के लिए बड़ी सटीकता के साथ काम करना होता है, नहीं तो कपड़ा गलत प्रिंट भी हो सकता है। अब इसके बाद बड़े आराम से इस कपड़े को उठाकर सूखने के लिए लटका दिया जाता है। सूखने के बाद इस पे भी सिलिकेट की कोटिंग कर दी जाती है, इस प्रिंट और रंग को सील कर दिया जाता है और फिर सूखने के बाद तैयार हो जाता है बंधेज का रंग बिरंगा कपड़ा। तो देखा ना आपने बंधेज प्रिंटिंग का ये अद्भुत नजारा। हमारा मकसद यही है कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। अब जरा आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।